हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको दोस्तों स्वागत है। दोस्तों इस समय उत्तर प्रदेश में कॉलेज यूनिवर्सिटी परीक्षाओं को लेकर दो अलग अलग बड़ी अपडेट आ रही है। दोनों ही अपडेट के बारे में विस्तार से जानेंगे, पूरी गाइडलाइन आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गाइडलाइन भी अवेलेबल हो चुकी है। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी फ्रेंड्स को इस बारे में जानकारी मिल सके। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के सभी विभागों के स्टूडेंट्स के लिए अंतिम सेमेस्टर यानी कि लास्ट सेमेस्टर की आपकी जो परीक्षाएँ हैं वो 27 जुलाई से शुरू होने जा रही है। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है लखनऊ से। इसके साथ ही वहीं सभी कक्षाओं की जो आंतरिक परीक्षा है ठीक है वो 5 जुलाई से 8 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। ये निर्णय कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में हुई परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया ठीक है। इसके साथ ही चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दें, यदि कोरोना की वजह से आपकी परीक्षाएं इस बार छूट जाती हैं तो निश्चित रूप से आपको एक और मौका मिलने वाला है ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ठीक है। आप आगे होने वाली विशेष परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकते हैं, उसे आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा ठीक है। ये हम बाद में बता देंगे, फिलहाल आपको इसे देख लेना। जो यहाँ पर वार्षिक परीक्षा के स्टूडेंट्स हैं उसके तहत संचालित पाठ्यक्रमों के स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दें। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन आज की इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर आपको देखना है। पॉइंट नंबर एक, सबसे पहले देखिए, ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों में जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम आदि पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष यानी कि फर्स्ट ईयर की यदि आपकी अभी तक परीक्षा नहीं हो पाई है, चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से नहीं हुई हो ठीक है, यदि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की अभी तक परीक्षा नहीं हुई है तो उनके छात्रों को सेकेंड ईयर में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा ठीक है। समझ गए होंगे, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स अब सेकेंड ईयर में पहुंच चुके हैं, ये समझ लीजिए। इसके अलावा 2022 में जब उनकी सेकेंड ईयर की परीक्षा होंगी ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, उनके सेकेंड ईयर की परीक्षाओं के आधार पर ही उनके जो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट है वो बना दिया जाएगा ठीक है। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, आपको समझने में परेशानी हो सकती है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ तो आप समझने की कोशिश कीजिए। इसके साथ ही सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं इस समय जो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में हैं वो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर दो पर यहाँ पर ध्यान दें, जो स्टूडेंट्स इस समय द्वितीय वर्ष में हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के ठीक है, उनमें स्नातक द्वितीय वर्ष के लिए दो व्यवस्थाएं तय की गई हैं। अब ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर 2020 में यानी कि पिछले साल ठीक है, कौन सी साल, पिछले साल जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो प्रथम वर्ष की यदि आपकी परीक्षाएं हुई थी ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे हमारी एक परीक्षा हुई थी, कुछ कहेंगे दो परीक्षाएं हुई थी, कुछ कहेंगे तीन परीक्षाएं हुई थी, तो ये ऐसे वाले जो स्टूडेंट्स हैं ये आपको अपनी यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करना है। आपकी यूनिवर्सिटी में परीक्षा नियंत्रण समिति की जो भी यहाँ पर बैठक होगी उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि ऐसे स्टूडेंट्स के साथ क्या करना है, उन्हें प्रमोट करना है, उनकी परीक्षाएँ कैसे करानी है, क्या कराना है उनके साथ, क्या नहीं कराना है। ये एक कन्फ्यूजन का विषय है, कन्फ्यूजन का मुद्दा बना हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स की एक परीक्षा हो गई थी, कुछ स्टूडेंट्स की दो परीक्षाएँ हो गई थी, कुछ स्टूडेंट्स की तीन परीक्षाएँ हो गई थी फर्स्ट ईयर में, और फिर उसके बाद उनको प्रमोट कर दिया गया था, उनका रिजल्ट वगैरह सारा डिक्लेयर हो चुका था, तो ऐसे में वो स्टूडेंट्स के साथ अभी फिलहाल कन्फ्यूजन की स्थिति है। ये सारी जो कन्फ्यूजन है वो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो गाइडलाइन आएगी निकल कर ठीक है उसके बाद ही ये कंफ्यूजन दूर हो पाएगी, तो इसलिए आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखिएगा और थोड़ी सी तैयारी वगैरह कर लेगा, क्योंकि यदि परीक्षाएं कराई जाती हैं तो आप अच्छे से परीक्षाएं दे सकें ठीक है। फिलहाल देख लीजिए कि यहां पर बताया गया है यदि प्रथम वर्ष की आपकी परीक्षाएं हुई थी तो वहां पर प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर द्वितीय वर्ष के परिणाम अंक जो है वो निर्धारित होंगे। इसके अलावा छात्रों को तृतीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। यदि पिछले साल आपकी परीक्षाएं हुई थी तब आपको अब सेकेंड ईयर में आप होंगे और सेकेंड ईयर में आपको प्रमोट करके थर्ड ईयर में पहुंचा दिया जाएगा। ऐसे विश्वविद्यालय अब ऐसे स्टूडेंट्स आ जाएं जहां पर 2020 में प्रथम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं वो नहीं हुई थी ठीक है, प्रथम वर्ष में की आपकी परीक्षाएं नहीं हुई थी पिछले साल, आपको विदाउट एग्जाम के प्रमोट किया गया था, तो उनके द्वारा अब आपको द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं करवाई जाएंगी, ऐसे स्टूडेंट्स की सेकेंड ईयर की परीक्षाएं होंगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स पीजी कोर्सेज में हैं ठीक है, वो उन छात्रों को उत्तरार्ध में प्रोन्नत कर दिया जाएगा, उत्तरार्ध यानी कि पीजी कोर्सेज के फाइनल ईयर ठीक है। पीजी कोर्स दो साल का होता है, फर्स्ट ईयर से प्रमोट करके आपको डायरेक्ट फाइनल ईयर में पहुंचा दिया जाएगा। जब वर्ष 2022 में उत्तरार्ध यानी कि सेकेंड ईयर की आपकी जब परीक्षा होंगी तो उनके आधार पर उन्हें पूर्वार्ध यानी वर्ष के अंक जो है वो निर्धारित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो यूजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, बी ए बी सी बी कॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए तो सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर दी गई हैं कि आपको परीक्षा देना पड़ेंगी फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हों, चाहे वो यूजी के हों या फिर पीजी के हों, किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स हों, फाइनल ईयर की परीक्षा होंगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है, अलग अलग यूनिवर्सिटी है, 20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग गाइडलाइंस बनाएंगे, जो भी गाइडलाइंस आएंगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। अभी आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, जिस जिस यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन आती जाएगी हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।